हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूर्य चैनल के साथ। पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन हम कवर कर चुके, हेरिडिटी हम कवर कर चुके इस लेक्चर में, और इस लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, फिर हम बायोलॉजी को पूरा एंड कर चुके होंगे, फिर आएंगे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट, सबसे आसान सबसे बढ़िया, पर आपने ये चैप्टर आप मुझे पढ़ेंगे ऐसा लग रहा है, सबसे आसान। चलिए जल्दी से बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब सर हमारा वातावरण, जहां हम सोते हैं, हगते हैं, सब करते हैं, आपको सब पता है। इकोसिस्टम होता क्या, सॉरी एनवायरमेंट होता क्या, जहां पर हम जानवर, लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसा आपका सबसे बड़ा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फोन, आप दोनों इंटरैक्ट करते हो। तो जहां पर भी ऐसा फंडा रहता है उसे बोलते हैं एनवायरमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एन आपका प्यारा सा दुलारा सा वातावरण। अब इकोसिस्टम भी एक टर्म होती है और इकोलॉजी भी। इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं बेसिक सा। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम बच्चों क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा रहता है, एक ऐसी जगह जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करता है। क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। जैसे आप गार्डन में, गार्डन के अंदर आप लिविंग एंड आपके, जैसे आप हवा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप विंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ये नॉन लिविंग है। तो आप वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे नेचुरल डेजर्ट हो गया कि डेजर्ट्स में अपने आप ही डेजर्ट्स बने, आर्टिफिशियल हो गया आपके घर का गार्डन, आपके घर का पॉन्ड, आपके घर के रिजर्वियर, तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स भी रहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बचपन में बड़े हुए तीन कंपोनेंट्स है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। बोलेंगे वापस, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। नाम से समझ में आ रहा, प्रोड्यूसर्स मतलब जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हमारे एनवायरमेंट में प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है, जो है हमारे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे प्लांट्स। प्लांट्स के पास ही वो शक्ति होती है फोटोसिंथेसिस की, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और हम उन्हें खाते हैं। प्लांट्स को इसलिए हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, कि वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर आ गए प्लांट्स। फिर दूसरा आते कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम करते हैं। सर क्या कंज्यूम करते हैं, सर हम क्या खाते हैं, सर हम खाते हैं फूड, हम अच्छा खासा फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम हुए कंज्यूमर्स। हम किसको खा रहे हैं, हम प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। एनिमल्स भी प्रोड्यूसर्स ही हुए। एनिमल्स हो सकता है वेजिटेबल्स का, हो सकता है एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाए, तो ये होते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स की भी तीन वैरायटी और होती है, मैंने लिखी नहीं है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये आपको पता है तो मैं बता नहीं रहा। हर्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस फ्लैशी एनिमल्स खाते हैं, ओमनीवोरस दोनों खाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स ने खाना बना दिया, कंज्यूमर्स ने खाना कंज्यूम कर लिया, बट अल्टीमेटली बच्चों डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज करते हैं, क्या होता है, जैसे कोई एनिमल मर गया या कोई ह्यूमन बीइंग ही मर गया, तो उसकी बॉडी को जलाना एक प्रथा रहती, बट अगर हम उसकी बॉडी को गाड़ते हैं, तो आपने कभी देखा होगा, आपने सुना तो हो गई कि जब हम कुत्ते की बॉडी को गाड़ते, तो जब हम उसको कुछ समय बाद निकालते तो वो सिर्फ हड्डियां बचती है। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी शायद तक, दृश्यम मूवी में दिखाया गया है। तो जब ये ऐसा होता है तो वो जो उसकी बॉडी थी, चमड़ी थी, पूरा का पूरा जो मटेरियल था, मास था, वो सारा का सारा डीकम्पोज हो गया, क्योंकि वो मर चुका है। आप ही सोचिए, फॉरेस्ट में जो रहता है सब मर जाते हैं। अब फॉरेस्ट में जो है ना, हम देखभाल करते रहते हैं, तो फॉरेस्ट में एनिमल्स ने तो खा लिया, बट उसके बाद भी जो कुछ बच जाता है, तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं, और जो उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी रहती है वो सॉइल के अंदर ही डीकम्पोज हो जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर डीकम्पोज नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्व है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो बेकार दिखेगा। वहां पे सब बॉडीज बॉडीज दिखने लगेगी। जैसे कचरा भी डीकम्पोज होता है, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो मोटे मोटे कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनको छोटा करते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी, फंगस हो गए। और ये जाता कहां पर है, सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल के ऊपर प्लांट्स उगते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो जो डीकम्पोज हुआ सॉइल के अंदर, क्या सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो गया। तो
तो ये था आपका इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन और फूड वेब की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।